हेलो गाइस, वेलकम टू स्टे स्मार्ट। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से, अगर आपका एक न्यू वेबसाइट है तो आप उस वेबसाइट पर किस तरह से ट्रैफिक लेकर आ सकते हो। जी हां गाइस, जब आप एक न्यू वेबसाइट बनाते हो तो उस पर ट्रैफिक नहीं आता, ऑर्गेनिक ट्रैफिक तो बिल्कुल भी नहीं आता। आप धीरे धीरे अपने वेबसाइट पर काम करते जाएंगे, पोस्ट लिखते जाएंगे, पोस्ट को SEO करते जाएंगे, बैकलिंक्स बनाएंगे, आप ये सब करेंगे, तब जाके आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता है अपनी वेबसाइट पे, वो भी बहुत कम। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑर्गेनिक सर्च से हटकर आप किस तरह से इनिशियल पीरियड में आप अपने वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अपने वेबसाइट के डेमो के साथ दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक लेता हूँ। ट्रैफिक लेने के बहुत सारे सोर्सेस हैं, लेकिन जो बेस्ट सोर्स है ट्रैफिक लेने का वो मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बात नहीं करने वाला, ऑर्गेनिक ट्रैफिक के बारे में मैं कुछ नहीं बताने वाला। इनिशियल पीरियड में आप किस तरह से बिना ऑर्गेनिक ट्रैफिक के भी आप अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हो, इनिशियल पीरियड में आपको ये ट्रैफिक काफी ज्यादा हेल्प करती है। और अगर आप अपने वेबसाइट को गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करने जाते हो तो वहां पर अगर ट्रैफिक ना हो तो आपका एडसेंस जो है वो अप्रूव नहीं होगा। तो इस वीडियो में मुझे जो बेस्ट तरीका लगता है ट्रैफिक लेने का वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, और आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहते हैं। सो या गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो इनिशियल पीरियड में आपके वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत कम आता है, नहीं आता। तो गाइस, ऐसे में आप सोशल मीडिया का यूज करके आप अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो। तो दोस्तों, जब भी हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में हमें ये नहीं पता कि हम कौन सा सोशल मीडिया से अच्छा ट्रैफिक ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक हो गया और इंस्टाग्राम हो गया, इस तरह के बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन अगर आप फेसबुक का यूज़ करते हैं तो आप वहाँ से ट्रैफिक बहुत ही कम लोगे, क्योंकि वहाँ पर जस्ट आपको पोस्ट शेयर करना होता है, आपका पोस्ट आपके फ्रेंड लिस्ट में जितने लोग हैं बस उन्हीं को उन्हीं के सामने आता है, और वो क्लिक करके अगर आए तभी आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है। इंस्टाग्राम में भी ऐसा ही होता है, फेसबुक इंस्टाग्राम से तो आपको ट्रैफिक ना के बराबर ही आता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो मैं किस वेबसाइट से ट्रैफिक लेता हूँ, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मैं किस वेबसाइट से, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक ड्राइव करता हूँ। तो दोस्तों, मैं यूज़ करता हूँ पिंटरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, पिंटरेस्ट एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ट्रैफिक को अपने वेबसाइट पे लाने के लिए। और भी एक प्लेटफॉर्म है गाइस, जिसका नाम है हेलो। हेलो यानी कि एक ऐप है, मोबाइल ऐप, आपको पता ही होगा, शायद आप में से कई सारे लोग हेलो ऐप को यूज़ करते भी होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये पता है हेलो ऐप से हम अच्छा खासा ट्रैफिक अपने वेबसाइट पर ड्राइव कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं किसी और वीडियो में आपको हेलो के भी प्रूफ दूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पिंटरेस्ट का प्रूफ बताऊंगा अपना, कि मैं किस तरह से पिंटरेस्ट का यूज़ करके अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक लेता हूँ। लेकिन दोस्तों, हेलो ऐप भी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ट्रैफिक को ड्राइव करने के लिए। किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हेलो ऐप से आप किस तरह से ट्रैफिक अपने वेबसाइट पर ड्राइव कर सकते हो। तो चलिए, हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और ओपन कर लेते हैं पिंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम यहां पर से पिंटरेस्ट को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, यहां पर पिंटरेस्ट ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, मैं आपको यहां पर लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि किस तरह से यहां पर ट्रैफिक लिया जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हो, मैं पहले अपनी प्रोफाइल पर आ जाता हूं। तो गाइस, आप यहां पर देख सकते हो, अब हम आ गए हैं अपने प्रोफाइल पर। तो यहां पर आप देख सकते हो बेस्ट लैंड्स, ये मेरी प्रोफाइल है, और यहां पर आप देख सकते हो मेरे वेबसाइट का नेम bestlands.in। और गाइस, आप यहां पर देख सकते हो 138K मंथली व्यूअर्स, यानी कि 138 यानी कि 140,000 के करीब मुझे मंथली व्यूज मिलते हैं पिंटरेस्ट पर। तो गाइस, अगर मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो फोटोज़ नज़र आ रहे हैं आपको, ये मैंने अपलोड किए हैं, मतलब ये मेरे वेबसाइट के इमेजेस है गाइस, मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक पिंस का आइकॉन टैब नज़र आ रहा है। तो अब हम आ जाते हैं पिंस वाले टैब पर। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो भी पिक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये मेरे वेबसाइट के पिक्चर्स है गाइस, जिनको मैंने यहाँ पर ऐड किया है। और यहाँ पर साइड में आपको एक आई का आइकॉन नज़र आ रहा होगा, आँख जैसा कुछ सिंबल नज़र आ रहा होगा, वो व्यूज़ है गाइस। आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे जो पिक्चर्स है, फर्स्ट वाली पिक 58, 39, 36, 30, ये व्यूज़ है गाइस। तो इनको मैंने रिसेंटली ही यहाँ पर ऐड किया है, इसलिए उन पर व्यूज़ कम है। लेकिन मैं जैसे ही जैसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आप देख सकते हो कितने ज़्यादा व्यूज़ यहाँ पर मेरे इमेजेस को मिले हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो इमेज है, यहाँ पर आप देखिए 11K व्यूज़, यहाँ पर आप देखिए 11K, 2.6K, 7.4K, 9.6K, 2.1K, 12K। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो इस वाली इमेज को 21K व्यूज़ मिले हैं गाइस,
21K यानी कि 21,000 व्यूज़ आए हैं इस इमेज पर। तो मैं जैसे इस इमेज को क्लिक करता हूं तो आप यहां पर देख सकते हो ये जो है ये सेव फ्रॉम bestlines.in यहां पर लिखा आ रहा है, यानी कि ये मेरे वेबसाइट से सेव हुई है। तो जब भी कोई बंदा आपकी कोई इमेज पर आता है और आने के बाद आप यहां पर देख सकते हो यहां पर नीचे एक उसे विजिट का बटन मिलता है। अगर उसे ये पोस्ट पसंद आ गया हो, ये पिक पसंद आई हो वो, अगर या अगर वो और इमेजेस चाहता है आपके वेबसाइट से, तो वो सिंपली यहां पर विजिट पर क्लिक करेगा। तो चलिए हम विजिट पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैंने विजिट पर क्लिक किया आप यहां पर देख सकते हो ये रिडायरेक्ट हो रहा है मेरा वेबसाइट पर। तो गाइज आप यहां पर देख सकते हो अब हम आ गए हैं अपने वेबसाइट पर। ये मेरा वेबसाइट है गाइज, ये मेरा पोस्ट है, अभी जो इमेज वहां पर थी इसी पोस्ट से मैंने ऐड की थी। और गाइज आप यहां पर देखिए एक और इमेज मिली है मुझे जिस पर 25K व्यूज है गाइज। जी हाँ गाइज देखिए आप यहाँ पर आप देखिए bestlines.in, जैसे ही मैं विजिट पर क्लिक करता हूँ तो सीधा उसी वेबसाइट पर, यानी कि मेरे वेबसाइट पर। तो इस तरह से आप इजीली पिंटरेस्ट का यूज़ करके अच्छा खासा ट्रैफिक अपने वेबसाइट पर ड्राइव कर सकते हो। और गाइज आपको पिंटरेस्ट पर ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, आपको जस्ट सिंपली अपने वेबसाइट का URL को कॉपी करना है, इसमें आकर पेस्ट करना है, बस इमेजेस अपलोड हो जाएंगी, ऑर्गेनिक ट्रैफिक में आएंगी, आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा और आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसी तरह से आप हेलो ऐप का यूज़ करके भी आप अच्छा ट्रैफिक ले सकते हो अपने वेबसाइट पर। हेलो ऐप के बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, इसी वीडियो में अगर मैं हेलो ऐप के बारे में बताऊं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। काफ़ी अच्छा ट्रैफिक मिलता है वहां पर, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो गाइज अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, मैं जब भी वो वीडियो अपलोड करूं ताकि आपको नोटिफाई हो सके। तो गाइज बस आज की इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप नए आ गए हैं तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहते हैं। सो या गाइज मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।